रीना, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पूरी घर की सफाई तुमने अकेले ने की है। मैंने भी इसमें तुम्हारा साथ दिया है, मेरी भी कमर बोल रही है। जीजी, मुझे अपनी पुरानी नौकरानी सीला की याद आ रही है। क्यों चली गई वो गांव, क्यों छोड़ गई हमें? हाँ रीना, उसके घर छोड़ने के बाद पता चला कि कितना काम करती थी वो। अरे जीजी, सब इस बुढ़िया के वजह से हुआ, कितना काम करवाती थी वो सीला से। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, ऊपर से सुबह शाम अपने पैरों पे मसाज करवाती थी मम्मी। वही तो, बेचारी कितना काम करती थी, इतना कौन काम करवाता है। अब पूरा दिन काम ना ये करो रीना, वो करो, चाय लाओ, ये वो, अब थक चुकी हूँ मैं। जीजी, हमें जल्दी से कोई नई मेड ढूंढनी पड़ेगी, वरना ये बुढ़िया हमसे काम करवा करवा के आधा खून सुखा देगी। अरे कामना बहू, रीना बहू, इधर आना। आ गई बुढ़िया की आवाज। चलो देखते हैं क्या फरमाइश है। हाँ चलो। हाँ मम्मी जी, आवाज लगाया आपने, आपने बुलाया मम्मी। हाँ बहू सुनो, कल से नई काम वाली आएगी। क्या, नई काम वाली मिल गई? मम्मी सच में क्या, हम तो इतने दिन से ढूंढ रहे थे पर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है आजकल। अरे हाँ बहू, हमारे पड़ोस के घर पे एक काम वाली आती है, मैंने उससे बात कर ली है, वो आने को तैयार हो गई है। थोड़े पैसे ज्यादा कह रही है, पर कोई बात नहीं, अब मेरी दोनों बहू को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसी सास के लिए एक लाइक तो बनता है।